तो वहीं शिवपाल यादव की चरण वंदना पर रायबरेली एसपी जरूर जागे, लेकिन रायबरेली में ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों पर कार्रवाई अभी भी बाकी है। रायबरेली एसपी श्लोक कुमार को क्या अभी तक नहीं पता है कि महिलाओं का जीना मुहाल कर रखा है ड्रग्स का धंधा करने वालों ने। कल रायबरेली कोतवाली पर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। शाम होते ही लालगंज इलाके में ड्रग्स बेचने वाले और उसका सेवन करने वालों का आतंक शुरू हो जाता है। महिलाओं का आरोप है पिछले 30 सालों से ये माफिया लगातार फल फूल रहा है और महिलाओं ने रायबरेली एसपी श्लोक कुमार को इसकी चेतावनी भी दी। कहा, अभी तो धरना कोतवाली पर है, आगे आपकी चौखट पर भी न्याय के लिए आएंगे। इलाके के पुलिस क्षेत्राधिकारी कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी। रायबरेली की आधी आबादी को पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए खुद ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन रायबरेली का, जब इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही है। आखिर जब भी कुछ इस तरह की वारदात होती है तो क्यों कोई कार्रवाई तुरंत नहीं होती है, ये सवाल उठता है। तो शिवपाल यादव की चरण वंदना पर रायबरेली एसपी ने जरूर उसके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन अब रायबरेली में जो ड्रग्स का धंधे को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है उसको लेकर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ड्रग्स का धंधा बड़े जोर शोर से फल फूल रहा है, कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। रायबरेली एसपी श्लोक कुमार को क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम मदैया का पुरवा है जहाँ की ये शिकायत थी, इसको देखा जा रहा है और जो भी मिलेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्य को यहाँ से एकदम समाप्त किया जाएगा। ये लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम मदैया का पुरवा है जहाँ की ये शिकायत थी, इसको देखा जा रहा है और जो भी मिलेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्य को यहाँ से एकदम समाप्त किया जाएगा। ये लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम मदैया का पुरवा है जहाँ की ये शिकायत थी, इसको देखा जा रहा है और जो भी मिलेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्य को यहाँ से एकदम समाप्त किया जाएगा। ये लालगंज असद खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद, ये महिलाएं धरना देने पहुंची और इनकी मांग है, जिस तरीके से ड्रग्स का धंधा लगातार फल फूल रहा है, वहां उनका डेरा हो जाता है शाम होते होते, ऐसे में क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी इससे पहले, और अगर अब धरना भी दिया है, जानकारी हो गई है, तो क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, जिस तरह से महिलाओं ने थाने पर जाकर धरना दिया, धरना प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं कि मामला पहले भी निकल कर सामने आया, इससे पहले भी महिलाओं ने कई बार थाने पर शिकायत की है, संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दे, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई न होना, वहीं तारीफ करनी होगी गांव की महिलाओं को, जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस पूरे मामले पर, अब वो खुद बीड़ा उठा लिया है और थाने पर जाकर धरना दिया है। वहां साफ तौर पर महिलाओं ने ये भी कहा है कि अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे। असद, महिलाओं का आरोप है 30 साल हो गए हैं इस ड्रग्स के धंधे को फलने फूलने को लेकर, 30 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, आखिर इतने पैर क्यों पसारने दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस महकियों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं से पुलिस अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है कि उनको उठाना और फिर थाने पर ला के रखना और बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी पूर्व में रहे पुलिस अधीक्षक ने इस पर कार्रवाई भी की और इसको खत्म करने का काम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस की सहभागिता जरूर कही जाएगी कि ये पूरा जो घोरक धंधा है इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि रायबरेली पुलिस अधीक्षक इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह से गंभीर होकर वहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कर इस महक धंधे को खत्म कराने का काम करते हैं। जी ठीक है, लेकिन असद महिलाओं का क्या कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत परेशान होंगे, 30 साल एक लंबा वक्त होता है, इस तरह की अगर शहर में वारदातें हो रही है, इस तरह से अगर ऐसा धंधा फल फूल रहा है, ना सिर्फ वो लोग बल्कि जो ड्रग्स यूज करते हैं, वो हो सकता है उन्हीं महिलाओं के घर वालों में से हो, तो कई तरह की दिक्कतें हैं, आखिर प्रशासन कौन सी नींद सोया हुआ है? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन कहा जाए तो कहीं ना कहीं से मूड दर्शक जरूर बना हुआ है, नहीं ऐसा लंबे समय पर और महिलाओं द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना, इससे ये क्रूज नहीं की जा सकती है कि महिलाओं ने या गांव वालों ने इससे पहले भी शिकायत की है, जहां महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं कि 30 वर्षों से ये धंधा फल फूल रहा है, तो इस पर लगाम लगाने से आखिर प्रशासन क्यों परहेज कर रहा है और इन जो महकिया है इन पर कठोर कार्रवाई करते हुए इनके जेल में भेजने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? असद, इस पूरे मामले को लेकर क्या एसपी श्लोक की तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया किसी भी अधिकारी की तरफ से? देखिए, जिस इस मामले पर पूरी जो सीओ
लालगंज है उनसे बात हुई है, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है, उन्होंने बताया है कि महिलाओं द्वारा मामला संज्ञान में आओ, कहीं ना कहीं से उनका जो ये बयान है तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं करता है कि ये बता रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया। जब इतने साल से पूरा मामला फल फूल रहा था तो इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई और इससे परहेज क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल तो उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इस तरह के मामले में, जब महिलाएं इतनी दुखी हो गई हैं, उनको धरना देने पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि महिलाओं की भी यहां पर देखना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से खुद आगे बढ़कर कदम उठाया, धरना देने गई, और ना सिर्फ धरना दिया, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी इस परेशानी को नहीं सुना गया, इसका हल नहीं किया गया, तो वो घर भी पहुंचेंगी, उनकी दहलीज भी पहुंचेंगी धरना देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार कोशिश कर रही है, यहाँ पर एसपी से बात करने की कोशिश कर रही है, एसईओ को फोन मिलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, कोई भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन बचता हुआ नजर आ रहा है अपनी जवाबदेही से। तो जाहिर सी बात यह होती है यहाँ पर कि अगर जवाबदेही आपकी नहीं है यहाँ पर, यानी कि जवाबदेही आप नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे इस पूरी बात को लेकर, तो आपने कोई ना कोई यहाँ पर अपनी तरफ से लापरवाही दिखा रही है, इसीलिए आप इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, न्यूज वन इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रशासन इस पूरे मामले को सुने और लगातार उनके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या क्या कुछ चल रहा है, और अभी तक कोई भी बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया है, लेकिन फिलहाल कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। असद, हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है फोन मिलाने की, कॉन्टेक्ट करने की, लेकिन कोई भी इस पूरे मामले को लेकर कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ कहना नहीं चाहता है। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जवाब ना देकर ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, उन्होंने लापरवाही की है, जानबूझकर सारी तस्वीर को, सारी स्थिति को देखते हुए अपनी आंखें मूंदी हुई हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर किया है कि जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, और किसी भी तरह का फोन आता है तो आप उस फोन को खुद रिसीव करेंगे, और जिस तरह से अगर जवाबदेही के लिए संबंधित अधिकारियों का, कुछ अधिकारियों का फोन मिला जाता है और उनका फोन नहीं उठता है, या कहीं कई बार मिलाने के बाद भी उनके प्यारों उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री के बातों को भी मानने का सही से पुलिस अधीक्षक हो, चाहे सीओसीटी हो, इस पर गंभीर नहीं है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए असद, कि जब वहाँ पर शिवपाल यादव पहुंचे तो चरण वंदना में कोई यहाँ पर कमी नहीं दिखी गई, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर जब बहुत ज्यादा शोर हुआ, सुर्खियों में आया, तब उस पर कोई कार्रवाई की गई। तो इन चीजों को लेकर जब ये यहाँ अपना सारा ध्यान चरण वंदना में लगाए रखेंगे तो आखिर अपराधियों पर कार्रवाई कौन करेगा? असद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र जुड़े हुए हैं सीओ लालगंज से। राघवेंद्र जी, ये महिलाएं पहुंची हुई है धरना देने के लिए, जिन्होंने जिनका जीना मुहाल हो रखा है, ड्रग्स धंधा फल फूल रहा है जोरों शोरों से, 30 साल का वक्त हो गया, आखिर यहाँ तक बात कैसे पहुंच गई, इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं अभी तक? पुलिस जांच कर रही है, जो भी अपराधी होंगे पकड़े जाएंगे और उनका पर्दाफाश किया जाएगा और इस पर नियंत्रण किया जाएगा। नहीं राघवेंद्र जी, अब ये चीजें होंगी, एक 30 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है ना, क्या 30 साल से भनक नहीं लगी प्रशासन को? अब मतलब महिलाएं जाकर बताएंगी तब ये जानकारी आएगी क्या? नहीं नहीं, अब ये खत्म किया जाएगा इसको बहुत जल्दी। राघवेंद्र जी देखिए, खत्म अब कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ, ये मौका क्यों दिया इतना फलने फूलने का? राघवेंद्र जी सुन रहे हैं ना मुझे? आप आवाज थोड़ी कट कट के आ रही मैडम, आपको मेरी आवाज ठीक से, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है। मेरा सवाल ये है कि आखिर अब तक फलने फूलने ही क्यों दिया गया? पूर्व में हो सकता है इसकी जानकारी ना हो, इसलिए ऐसा होगा। अगर प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी तो आखिर किसको होगी? प्रशासन यानी कि आंख मूंदे बैठा रहता है? राघवेंद्र जी, हेलो, सुनाई दे रहा है ना आपको? जी जी, तो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए कि आखिर जी, जानकारी प्रशासन को नहीं होगी तो किससे होगी, और प्रशासन के संज्ञान में ये मामला क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अचानक महिलाएं एकदम परेशान होकर पहुंच गई हैं, पहले भी कई शिकायतें आई होंगी, कार्रवाई नहीं हुई होगी और इसी वजह से आज ये स्थिति आ गई है। पूर्व में शिकायत नहीं पहुंची होगी इसलिए जानकारी में नहीं आई होगी। मैं तो अभी बहुत जल्दी आया हूँ यहाँ और इस पर मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी नियंत्रण कर लिया जाएगा।
तो राघवेंद्र जी आप तो जल्दी में आए हैं, लेकिन बाकी सब तो वहां पर थे। और अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन लिया जा रहा है, गांव में पूरी लगातार जा रही है, जैसे ही पकड़ा जाएगा। तो यानी कि जो अब तक ये सारी चीजें इतनी आगे तक पहुंच गई हैं, ये ड्रग्स का धंधा इस तरह से फल फूल रहा है कि शाम को निकलना मुहाल हो जाता है, महिलाओं के लिए जीना दुश्वार हो रखा है, इसमें किसकी कमी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने तो ये बात कह के खत्म कर दी कि हम तो अभी आए हैं। जी जी नहीं 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 किया जा रहा है। और अगर हर पुलिस अधिकारी ये बात बोलने लगे, ट्रांसफर तो होते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं कि भैया हम तो अभी आए हैं, हमें नहीं पता। आपको भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ये मेरा ठीक है। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर तभी क्यों ये चीजें सामने आती है जब कोई शिकायत बड़े तौर पर आती है, महिलाएं वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही है, तब आगे नहीं होगा, इससे पहले खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जाती? ये सवाल है मेरा कि अब होगा, अब क्यों होगा, इससे पहले ही होना चाहिए ना। आखिर प्रशासन क्यों तैनात होता है, प्रशासन होता ही क्यों है? जनता की देखभाल के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। चलिए ठीक राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ इंडिया के साथ। लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली में ड्रग्स का धंधा फल फूल रहा है। हमारी बात हुई सीओ साहब से, उनका ये कहना है कि वो तो अभी आए हैं, उनके संज्ञान में ये बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पहले भी तो लोग वहां पर थे, पहले भी तो प्रशासन तैनात था, आखिर क्यों जानबूझकर आंखें बंद रखी गई, सवाल ये उठता है आखिर क्यों ध्यान नहीं है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का। लालगंज इलाके में ड्रग्स बेचने वाले और उनका सेवन करने वालों का आतंक शुरू हो जाता है शाम होते ही। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 30 सालों से फल फूल रहा है माफियाओं का धंधा। महिलाओं ने रायबरेली एसपी श्लोक कुमार को चेतावनी भी दी है, कहा है कि अभी तो धरना कोतवाली पर है और आगे आपकी चौखट पर भी न्याय के लिए आएंगे। इलाके के पुलिस क्षेत्राधिकारी कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी, लेकिन ये एक बहुत लंबा वक्त है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 सालों तक ये मामला संज्ञान में आया ही नहीं है, क्योंकि महिला इतनी परेशान है। अब बहुत ज्यादा जब बात सर से ऊपर पहुंच चुकी है तो महिला पहुंच गई है वहां पर धरना देने के लिए, नौबत यहां तक आ गई है और प्रशासन का कहना है कि संज्ञान में मामला ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षेत्र में क्राइम चल रहा है जोरों शोरों से, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी ही नहीं है? ये बात थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि गल्प करने लायक नहीं है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कानून की व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से दावे होते हैं कि मजबूती की तरफ लगातार बढ़ रहा है यूपी में कानून, प्रशासन कार्रवाई करता है हर अपराधी पर, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये समझ में आता है कि तमाम दावे खोखले हैं। असल में बात यह है कि जब कोई भी मामला तूल पकड़ता है तब उस पर कार्रवाई हो जाती है, नहीं तो सब के सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं।